हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। तो जी फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने मास्टर बेडरूम का मेकओवर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इस रूम का मेकओवर हमने ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो किया था और अभी ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, बिकॉज पूरा 1 साल हो गया इसको इसी तरह से डेकोरेट होके देखते हुए। तो सोचा आप थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। पहले हमने ये विंटर्स में इसका मेकओवर किया था, इसलिए उसी के अकॉर्डिंगली इसको डेकोरेट कर दिया था। बट अब जैसे कि आपको पता है कि समर से स्टार्ट होने वाले हैं और मेनली रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो रमज़ान से पहले हमने सोचा क्यों ना इस रूम को एक नया लुक दे दिया जाए, वो भी बहुत ही कम बजट में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग DIYs लेकर आए हैं, साथ ही कुछ आपके लिए आइडियाज़ रहेंगे जिससे कि आप अपने बेडरूम को दे सकते हैं इस गर्मियों में एक नया लुक। तो चलिए जी, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और अपना मेकओवर शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रूम को हम पूरा चेंज करने वाले हैं, जितने भी पुराने इसमें डेकोर आइटम्स हैं उन सबको ही हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये जो बेड के पीछे की वॉल है, इस पर इस तरीके की वॉल शेल्फ्स हमने लगवाई थी, उनको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से इनको यहाँ पर देख रहे हैं और अब बिल्कुल मन भर गया है। साथ ही जितने भी कर्टेंस हैं, जितनी भी पेंटिंग्स हैं, उन सभी को हम यहाँ से हटा देंगे। तो जी, अब जो ये वॉल है, यहाँ पर काफ़ी सारी कीलें लगी हुई हैं, तो इनको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से निकाल रहे हैं। साथ ही जो इसमें गिट्टी लगी रहती है उसको भी हम हटा देंगे ताकि ये वॉल हमें पूरी खाली मिल जाए। और उसके बाद जो ये होल है, इसको हम फिल कर रहे हैं वॉल पुट्टी की हेल्प से। अच्छा, इस तरीके के होल होना तो आप अपनी फिंगर को यूज़ करें और इन होल्स को इस तरह से फिल कर दें, बाद में आप पत्ती की हेल्प से इनको सेट कर दें। तो इस तरह से पूरी वॉल प्लेन हो गई और 3-4 घंटे बाद जब ये ड्राई हो गई, फिर हमने सैंड पेपर की हेल्प से इसको रब किया, पूरा स्मूथ कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर किया है इस पर 1 कोट पेंट का। तो देखिए, पूरा रूम को हमारे अभी पेंट की ज़रूरत नहीं लग रही थी हमें, और बस ये एक वॉल थी जिसपे कि बहुत ज़्यादा कीलों के निशान थे, इस वजह से हमने बस ये जो बेड के पीछे की वॉल है इसी पे पेंट किया है। और बस 1 ही कोट में ये पूरी वॉल स्मूथ हो गई थी, फिनिश हो गई, और जितने भी मार्क्स थे ना वो सारे हट गए थे। बस 2 कीले हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं जिसपे कि हम अपना DIY वॉल डेकोर हैंग करेंगे। तो उसके अलावा पूरी वॉल को हमने पूरा स्मूथ कर लिया है और फिनिश कर लिया है। चलिए जी, अब करते हैं अपना क्विक सेट DIY। और इस DIY के लिए सबसे पहले हम पहुँच गए हैं कारपेंटर की शॉप पे, और यहाँ पर ये बिट्स हैं जिनको कि हमने इनसे कट करवा लिया था, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी उन्होंने बड़ी फिनिशिंग से बना दिए थे। अब इस DIY के लिए हमें एक बड़ा सा कार्डबोर्ड पीस चाहिए था, तो बहुत बड़ा कार्डबोर्ड हमारे पास नहीं था, तो 2 जो हमारे पास कार्डबोर्ड थे उनको इस तरीके से टेप की हेल्प से हम ज्वाइंट कर ले रहे हैं, दोनों ही साइड से, आगे से भी और पीछे से भी। इस तरीके से हमारा ज्वाइंट हो गया। अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं पेपर टेप। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम कार्डबोर्ड के ऊपर पेंट करेंगे तो पेपर टेप पर आप किसी भी तरीके का पेंट कर सकते हैं, बट अगर नॉर्मल आपने टेप लगा रखा है तो उस पर कोई भी पेंट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने जो ज्वाइंट से उस पर पेपर टेप लगा दिया। अब जो हमने बिट्स कटवाई थी ये करीब 1-1 मीटर की हैं, और 3 बिट्स हमने एक ही साइज़ की कटवा रखी हैं, जिनको कि ट्रायंगल शेप में हमने इस तरह से फिक्स कर दिया है बोर्ड के ऊपर। और अब यहाँ पर हम ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, इस DIY के लिए हम बड़ा सा एक लकड़ी का बोर्ड भी ले सकते थे, बट वही बात है, जब DIY कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठ रहा था, और हमारा मानना है कि DIY थोड़े कम बजट में हो तभी हमें सेटिस्फेक्शन रहता है। तो इसको कम बजट में करने के लिए हमने कार्डबोर्ड का पीस यूज़ किया है और ग्लू गन की हेल्प से इन बिट्स को इसके ऊपर इस तरीके से स्टिक कर दिया है। इन तीनों ही बिट्स को इस तरह से फिक्स करने के बाद हमने 3 और बिट्स कटवाई हैं जो कि साइज़ में थोड़ी सी छोटी हैं, और उसके बाद 3 और हैं जो कि इससे भी साइज़ में छोटी हैं। तो इनके जो बीच का गैप है वो करीब 4 इंच का हमने रखा है, आप इसका मार्जिन छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इनको भी हमने बीच में पहले सेट कर लिया है। बस इसको ध्यान आप ये रखिएगा, जब आप फिक्स करें तो इनके कॉर्नर्स को बहुत ही अच्छे से मिला के सेट करते जाएँ हैंड टू हैंड, वरना बाद में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए हमने किसी भी तरीके की कील वगैरह का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ग्लू गन की हेल्प से ये आसानी से चिपक गया था। उसके बाद हम इसके जो साइड का एक्स्ट्रा बोर्ड है उसको कट कर रहे हैं। पहले आप बिल्कुल भी इस बोर्ड को कट ना करें वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। अच्छा जी, अब आती है पेंट की बारी। तो इसको पेंट करने के लिए हमने नॉर्मल जो अपना वॉल पेंट होता है उसी को यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चॉक पेंट यूज़ करते तो भी हमें कॉस्टली बैठता, एक्रेलिक कलर भी कॉस्टली बैठता, बट ये वॉल पेंट है तो ये काफ़ी रीजनेबल रेट में हमें मिल जाता है, मतलब डब्बा पूरा हमारे पास ऑलरेडी था, तो इसी से हमने इसको पेंट कर दिया है। अब जो इसकी बिड्स हैं इनको पेंट करने के लिए यहाँ पर हम एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं ताकि ये हाईलाइटेड हो जाए और यहाँ पे कलर भी ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो जितने भी बिड्स हैं उनको हम यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर रहे हैं।
चलिए जी, इतना काम हमारा हो गया। और अब हमने यहाँ पर लिए हैं कुछ वेस्ट मिरर स्क्रैप्स, और ये शॉप से हमने लिए थे। ये कई बार वो फ्री में भी दे देते हैं और कई बार कुछ थोड़ा बहुत पैसे लेते हैं, तो आप जैसे देखें उस तरह से ले लें। और यहाँ पर हमने इनको चादर में रखे छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है, उसके बाद एक टब में डाल लेंगे। और अब हम इसको लगाएंगे अपने इस वाले डेकोर पीस पे। तो ये जो बीच का पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर हमने फेविकोल को अप्लाई कर दिया है, ब्रश से इसको स्प्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद रैंडमली इन मिरर्स को इस पे हम लगाते चले जाएंगे। देखने में हो सकता है काफ़ी टाइम टेकिंग लग रहा हो, बट हमने मिरर वाला जो स्पेस है बहुत बड़ा नहीं लिया है, बस बीच के पोर्शन में हम मिरर लगाने वाले हैं, तो ये काफ़ी जल्दी हमारा हो गया था, बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। अच्छा, मिरर्स को लगाने के लिए टेंशन ना लें, अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे मिरर होते भी हैं, मीन्स थोड़ा गैप बचता है, तो कोई बात नहीं, बाद में उसमें छोटे छोटे से मिरर्स को फिल कर दें, और अगर फिर भी जगह बचती है तो भी ये देखने में बुरा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं इसको मिरर से हमने इस तरह से पूरा कवर कर दिया है, और ये वाला जो बीच का पार्ट है ये हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने कुछ फ्लावर जो क्रीपर हैं वो ली हैं, ये ऑनलाइन हमने बाय करी हैं, और इनका जो हरी डंडियाँ हैं इसको हम हटा देंगे, सिर्फ फ्लावर्स फ्लावर्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये इस तरीके की क्रीपर्स हमारे पास जमा हो गई हैं, अब इनको हमें इस पर लगाना है। लेकिन इस DIY में जो हमने व्हाइट पेंट किया है उसमें से ये पेंट नज़र आ रहा था जब हमने फ्लावर्स लगाए, तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर का पेंट कर रहे हैं, और सिर्फ इसी पोर्शन में हमने यहाँ पर ये वाला पेंट करा है। उसके बाद यहाँ पर हम ग्लू गन की हेल्प से इन क्रीपर्स को इसमें स्टिक कर रहे हैं, और बहुत ही ईजिली ये स्टिक हो जा रहा था। सिंपली बस थोड़ी थोड़ी दूर पे ग्लू लगाते जाना है, और जो हमारी क्रीपर है उसको इस तरह से रख के धीरे से पेंसिल से जो है उसके ऊपर प्रेस करते जाना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे ग्लू है वहाँ पर अगर फ्लावर आता है तो फ्लावर को उस ग्लू के ऊपर हल्के से प्रेस करना है, और ये आसानी से स्टिक हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने अपने कलर थीम के अकॉर्डिंगली स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स मंगवाए हैं स्पेशली, बट अगर आपके पास पुराने फ्लावर्स पड़े हुए हों तो आप उनको यूज़ करें और आराम से बहुत ही कम कॉस्ट में DIY बना लें। तो इस DIY को करने से एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी आपके पुराने फ्लावर्स हैं जिनको कि आप यूज़ में नहीं ले रहे हैं उनको भी आप यूज़ में ले सकते हैं, मल्टी कलर में इसको बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी से ये वाला DIY हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हम इसी तरीके से क्रीपर को लगाते जा रहे हैं ताकि जो बीच का पार्ट है वो फिल हो जाए। चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा लाइटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारे पास एक लाइट थी जो कि हमने अपने बच्चों के रूम में लगाई थी, तो वहाँ से हमने इसको निकाल लिया है, बट इसका जो एडहेसिव है ना पीछे का वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर हम इस पर पेपर टेप को रैप कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर फेविक्विक की हेल्प से इसको इसके साइड्स में हम स्टिक कर देंगे। ये बहुत ही इजी और कन्वीनियंट सा ऑप्शन हमें लगता है। पेपर टेप लगा दें आप इस तरीके की स्ट्रिंग लाइट्स पे, और उसके बाद फेविक्विक की हेल्प से इसको इस तरह से स्टिक कर दें। इस तरह से स्टिक करने के बाद ये हमारा DIY ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। चलिए जी, फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो जी, हमारा जो नेक्स्ट DIY है उसके लिए यहाँ पर हमने बटर पेपर लिया है जिसको कि हम पेपर टेप की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर दे रहे हैं ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। अब इस पर डिज़ाइन और पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर हमने बारबेक्यू की जो स्टिक्स आती हैं बैम्बू स्टिक्स वो ली हैं, और साथ ही कुछ ली हैं टूथपिक्स। आप इसकी जगह बैम्बू स्टिक्स ले सकते हैं नॉर्मली, और टूथपिक को दो पार्ट में हमने कट कर लिया है, और इस तरह से यहाँ पर इस पर हम बना रहे हैं पैटर्न। रेंडमली इस तरह से पैटर्न इस पर बना लेना है, सारी ही स्टिक्स को सेट कर देना है, और उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से इस पर ग्लू डालना है, हॉट ग्लू, और ये जो स्टिक्स हैं ये एक दूसरे में स्टिक होती जाएंगी और एक पैटर्न सा क्रिएट होता चला जाएगा। ये वाला DIY भी हमारा सिर्फ 15 मिनट में बनकर रेडी हो गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ये कपड़े धोने का साबुन लिया है, और इस पे हम कर रहे हैं ब्लैक एक्रेलिक कलर। देखिए, एक्रेलिक कलर ड्राई भी क्विकली हो जाते हैं और इसको करने में भी टाइम नहीं लगता है, तो इसको हमने पेंट किया और फिर एक साइड में रख दिया ड्राई होने के लिए। इतने में हमारा जो ये ग्लू वाला पैटर्न था ये भी बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम इसको स्प्रे पेंट की हेल्प से पेंट कर देंगे। यहाँ पर हमने गोल्डन कलर चूज़ किया इसको पेंट करने के लिए। दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से पेंट कर लिया, और जो हमारा सोप वाला बेस था उसके ऊपर इस तरीके से इसको इंसर्ट कर दिया। बन गया ना हमारा क्विक सा DIY, ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही क्विक एंड ईजी सा DIY है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए जी, एक और थोड़ा सा अपने जो पुराना DIY है उसको नया लुक दे देते हैं। ये हमने अपने बालकनी मेकओवर के लिए बनाया था और वहाँ पे लगाया हुआ था, अभी हमने वहाँ से निकाला है इसको, और इसमें जो कलरफुल फ्लावर्स थे उनकी जगह पे हम यहाँ पर लगा रहे हैं अपने जो स्काई ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं उनको, ताकि
जो हमारी कलर थीम है उनसे ये मैच कर जाए। तो दोनों ही जो हमारे ट्राइंगल्स थे उनको हमने इस तरीके से एक नया लुक दे दिया फ्लावर्स को चेंज करके। अब जो यहाँ पर हमारे पास है ना, ये एक टूटी हुई पेंटिंग है, काफ़ी पुरानी पेंटिंग थी, गिर गई और इसका कांच भी टूट गया और सभी कुछ ऑलमोस्ट टूट गया है। डिस्कार्ड करने वाले थे तो सोचा चलिए लास्ट बार एक बार और इसे यूज़ कर लेते हैं। तो जितना भी इसका पीछे का वेस्ट चीज़ें थी वो हमने हटा दी और जो फ्लावर्स वगैरह टूट गए थे उनको हम ग्लू गन की हेल्प से अगेन यहाँ पर सेट कर करके लगा दे रहे हैं। और जिसका फ्लावर पॉट था वो भी निकल गया था, उसको भी हम ग्लूगन की हेल्प से लगा रहे हैं। तो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जो भी ये पेंटिंग में चीज़ें टूट गई थी उनको वापस से फिक्स कर दे रहे हैं। हाँ, बस इस बार हम इसमें कांच नहीं लगाएंगे क्योंकि बस इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे जितने दिन भी ये चलेगी, बाद में इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसका जो फ्रेम था वो हमने लगा दिया है और इसकी एजेस को हाइड करने के लिए यहाँ पर हम ब्लैक कलर का टेप यूज़ कर रहे हैं ताकि इसका एक बॉर्डर सा क्रिएट हो जाए और हमारी ये पुरानी पेंटिंग दिखने में एकदम नई जैसी लगने लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारे DIYs कंप्लीट हो गए हैं। चलिए जी, अब करते हैं अपने रूम को डेकोरेट और करते हैं इसका मेकओवर। तो सबसे पहले जो हमने अपनी वॉल शेल्फ्स निकाली थी उनको हमने दूसरी वॉल पे कर्टेन के साइड वाली वॉल पे लगा दिया है। सिर्फ दो हमने वॉल शेल्फ्स यहाँ पे लगाई हैं और अब जो बेड के पीछे वाली वॉल है वहाँ पर हम अपना ये वाला DIY हैंग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इस तरह से लूप बना दिए हैं और जो दो कीलें हमने यहाँ पर छोड़ दी थी उन्हीं के ऊपर हम इसको हैंग कर देंगे। अच्छा, ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, आराम से हैंग हो जा रहा है। अगर हम लकड़ी का बनाते तो इसको हैंग करने में भी हमें प्रॉब्लम आ सकती थी। अच्छा जी, अब जो साइड की जगह बच रही है वहाँ पर हम अपने ये DIY ट्राइंगल्स को हैंग कर रहे हैं। हैंग नहीं कर रहे हैं इसको, हम पेपर टेप की हेल्प से इस पर फिक्स कर रहे हैं। अब जो हमने नेक्स्ट DIY अपना बनाया था उसको हम इस कॉर्नर में लगा रहे हैं और साथ ही नीचे हम रख देंगे अपना ये कलर चेंजिंग लैम्प। अब बिछा देंगे अपने बेड पे बेडशीट और लगा देंगे कर्टेंस। तो जी, कर्टेंस हमने ऑनलाइन बाय किए हैं, जिसमें कि 4 हमारे फ्लोरल कर्टेंस हैं और 2 हमारे सॉलिड कर्टेंस हैं। तो ये जो कर्टेन जब आप लगाएं ना इस तरीके से विंडो पे, तो दोनों कर्टेंस को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दें। उससे क्या होगा कि बीच में से ये खुलते नहीं हैं और बेडरूम में वैसे भी प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। तो इस हैक से आप अपने बेडरूम में पर्दे लगाएंगे तो आपके बेडरूम में प्राइवेसी बनी रहेगी। अब जी, हमने आगे की तरफ सॉलिड कर्टेंस लगा दिए हैं और बैक में हमने लगाए हैं प्रिंटेड कर्टेन और जो हमारे 2 और डोर्स हैं वहाँ पर भी हम फ्लोरल कर्टेंस को हैंग कर रहे हैं। यहाँ पर लगा देंगे हमारी DIY पेंटिंग और ये वाली पेंटिंग का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं अगर ये पेंटिंग बनाना चाहें। साथ ही यहाँ पर हमने लिया है ये लिव लव एंड लाफ का लोगो और ये भी हमने ऑनलाइन बाय किया था, जिसमें कि इस तरीके से पीछे फोम टिप लगा हुआ है वो हम रिमूव कर रहे हैं उसके स्टिकर्स को और इस वाली वॉल पर हम इनको लगा रहे हैं। इस बार अपने बेडरूम में थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये सोफे के साथ वाले पूफ्स को यूज़ किया है यहाँ पर और इन पे हम लगा देंगे इस तरह से कुशंस। अब कर लेते हैं अपने बेड साइड स्टूल को डेकोरेट, जिसमें कि हम अपना ये DIY लगा रहे हैं, इसका भी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे। साथ ही रख देंगे 2 कैंडल होल्डर्स और अब बताते हैं आपको एक हैक। ये जो है ना, ये आरिशा का एक फ्रॉक था, वूलन फ्रॉक, और जो कि लंबा था जिसे हमने कट कर दिया और इसके फ्रंट में इस तरीके से ये फर वाला डिज़ाइन बना हुआ था जो कि आरिशा बिल्कुल नहीं पहनती थी। तो जो नीचे का फ्रॉक बचा वो एक हाईनेक की तरह आरिशा ने यूज़ किया विंटर्स में और जो ये फर वाला पार्ट है इसकी जो साइड्स हैं उसको हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर रहे हैं। बिकॉज ये फर है तो इस पर मशीन चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो ग्लू गन की हेल्प से इसके साइड्स हैं उनको हमने स्टिक कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट कर रहे हैं लेस से ताकि ये जो है थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगने लग जाए। तो देखिए, कोई भी पुरानी चीज़ हो ना, आपको पता है, थोड़ा सा उसको रीयूज़ कर लेते हैं, फेंकने से पहले एक बार आइडिया लगा लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको पूरा डेकोरेट कर दिया है और यहाँ पर ये हमारा क्विक सा एक स्टूल का जो मैट होता है ना वो बनकर रेडी हो गया है। तो ये मैट हम यहाँ पर लगा देंगे और इस पर रख देंगे एक फ्लावर वास। इस तरह से हमारा ये वाला DIY भी क्विकली हो गया था और अब हम कर देंगे अपने बेड को सेट। चलिए जी, हमारा बेड भी सेट हो गया है और अब डाल देंगे कुछ रनर्स और दिखाते हैं आपको अपने रूम का फाइनल मेकओवर।
तो जी फ्रेंड्स, पहले आप देखिए हमारे बेडरूम का बिफोर लुक, जो कि मेकओवर होने से पहले का लुक है, और उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं अपने बेडरूम का आफ्टर वाला लुक, जो कि मेकओवर होने के बाद हमारा रूम किस तरीके से चेंज हो गया है। तो जी फ्रेंड्स, ये था हमारा मेकओवर का वीडियो, जिसमें कि हमने अपने बेडरूम को बिल्कुल ही नया लुक देने की कोशिश करी है। पर्सनली हम सबको ये वाला लुक बहुत अच्छा लगा है, समर्स के हिसाब से बहुत ही कूल कलर है और एकदम से ठंडी ठंडी सी वाइब्स मिल रही हैं इस रूम में। तो देखिए, ये मेकओवर करने में ना काफ़ी एफर्ट लगते हैं, काफ़ी सोचना पड़ता है कलर थीम के बारे में और डेकोरेशन के बारे में। तो अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो ना, तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अच्छा जी, अभी आपको दिखाते हैं सारी ही लाइट्स ऑफ जब हमने कर दी, और उसके बाद कुछ जो डेकोरेटिव लाइट्स थी बस वही ऑन थी, तो उन लाइट्स में भी ये रूम बहुत ही शानदार लग रहा था। ओके जी फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये मेकओवर का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। जो भी आपकी राय हो हमारे साथ शेयर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।